तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशोनो ऑफिशियल। तुम्हें यहाँ पे आकर गणपति बाबा को देखने की क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं, क्योंकि गणपति जब हम बुक करते हैं ना तभी उतना कुछ लगा नहीं रहता, सिर्फ मूर्ति रहती है, तो उनको कैसे डेकोरेट करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है। तो अभी कल तो गणपति लाना है, इसके लिए शाम को रात में आई लेट नाइट देखने के लिए कि हो गया कि नहीं। तो मैंने देखा फाइनली अच्छे से सब डेकोरेट हो गया है, जो जो चीज़ें बोली थी जैसे लगाने के लिए, जो भी पहनाने के लिए, वो सारी चीज़ें कर दी हैं। तो गणपति बाबा पूरे रेडी हो गए, उनको देखा, उनको देखने के बाद उनसे बात किया भैया से, तो फाइनली गणपति बाबा मेरे घर पे आने वाले कल, तो डेफिनेटली मैं उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी और बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियो भी डालूँगी जो आप लोग देखिए। बाबा ऐसे ही सबके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और हमेशा आते रहें और सबके घर में इससे विराजमान रहें, क्योंकि गणपति बाबा आते हैं तो रिद्धि सिद्धि को लेके आते हैं, सुख और शांति समृद्धि। तो हमारे घर में अभी फाइनली गणपति रखने वाला है, तो हमारी मूर्ति दिखा रहेगा आपने, जो झुक के मैंने टच किया वो मूर्ति है। तो बाकी तो मूर्तियाँ सभी प्यारी होती है, बट बोलते हैं ना जो आपने दिल से मान लिया बस वही, बोलते हैं पूछ मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो यहाँ पे एक मूर्ति और मुझे दिखी, उसमें भी थोड़ा सा ये था, तो मैंने वो भी देखा, उनको पूछा भैया ये किसका है, क्या है प्राइस। तो थोड़ा बोलते हैं ना कि कुछ मूर्तियाँ देखने के बाद ऐसा होता है ना कि उनका अटैचमेंट कुछ अलग ही हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कर ली, देख लिया। तो फाइनली उन्होंने जिस तरह से डेकोरेट करना था तो भैया ने उसी तरह से सारी मतलब मेरी मूर्ति जो है वो डेकोरेट की हुई है, उसमें कुछ भी चीज़ें बची नहीं है। तो उसका फ़ोटो भी निकाला मैंने, और वो सारी चीज़ें निकालने के बाद थोड़ा सा फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी, क्योंकि कल शाम को लेके जाना है। तो मैंने बोला आज पूरा फाइनली देख लेंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी काम बचा रहेगा, कुछ भी जो नहीं हुआ है तो वो हम करवा सकते हैं। तो ये रीज़न से देखा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा गणपति बाबा की मूर्ति कैसी लग रही है जो हम लाने वाले हैं। वैसे घर में आने के बाद भी मैं ज़रूर से वीडियो वगैरह शूट करूँगी और सेंड भी करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ब्लॉग और शॉर्ट्स में। पर उसके पहले मैंने बोला पहला दर्शन मैं अपने ऑडियंस को करा देती हूँ, तो गाइज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। वैसे तो सारी मूर्तियाँ बहुत प्यारी हैं, बट जो मैंने चूज़ की है वो कैसी लगी आप लोग को, तो अपना ज़रूर से ओपिनियन दीजिएगा। तो वहाँ से फिर हम निकल जाएँगे अभी, क्योंकि हो गया हमारा ये देख के, तो चलो भी घर पे जाएंगे। घर पे जाने के बाद मेहंदी भी लगानी है, मुझे जाना था बाहर लगाने के लिए, बट आज ने मना किया, इसके लिए मैं नहीं लगा रही। तो आप जरूर जरूर बताना मूर्ति कैसी लगी।